आगे देखिए, जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, इस गेंद को मत छुओ, यह पुस्तक मेरी है। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर हमें इंगित करते हुए कहा जा रहा है कि यह पुस्तक मेरी है। जैसे मैं कह रही हूँ यह बोर्ड मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। तो मैं इसकी ओर संकेत करके कह रही हूँ, संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करके कह रही हूँ कि यह मेरा है। तो वो किस क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण में आ जाएगा। तो संकेतवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की ओर जो इंगित करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं किसकी ओर, बोर्ड की ओर या पुस्तक की ओर। क्या कह रहे हैं कि यह पुस्तक मेरी है, इस गेंद को मत छुओ। ये गेंद, जो गेंद सामने रखी है उसके लिए हम क्या कहेंगे, इस गेंद को मत छुओ। उसकी ओर हम इशारा करके कह रहे हैं कि उस गेंद को मत छुओ, ठीक है। उस प्रकार से देखिए आगे, इसके चार भेद बताए गए हैं, किसके, संकेतवाचक विशेषण के। कितने भेद बताए गए हैं, चार भेद बताए गए हैं। पहला है निश्चित संकेतवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण, तीसरा है प्रश्नार्थक संकेतवाचक विशेषण, चौथा है संबंध सूचक संकेतवाचक विशेषण। निश्चित संकेतवाचक विशेषण में क्या बताया गया है, यह वह आदि। निश्चित संकेतवाचक विशेषण में क्या है, यह मेरा है वह उसका। तो हमें निश्चित पता है कि यह मेरी ही वस्तु है, यह उसकी वस्तु है। हमें निश्चित वस्तु का जब ज्ञान हो जाता है तो निश्चित संकेतवाचक विशेषण में आ जाएगा। अनिश्चित संकेतवाचक में उसमें क्या होगा, जैसे हमें कोई वस्तु लाकर रख देगा या कोई सामने आकर चला जाएगा, तो हम किसी कहेंगे कोई आया था, कोई आया था। तो किसमें आ जाएगा, अनिश्चित, कि हमें कंफर्म नहीं कि कौन था पर वो आया था, कोई आया था व्यक्ति, तो मैं निश्चित नहीं है कि कौन व्यक्ति आया था, तो अनिश्चय में हो जाएगा। प्रश्नार्थक, प्रश्नार्थक में जैसे कौन, किस, कब, कैसे, तो वो किस में आ जाएगा, प्रश्नार्थक संकेतवाचक विशेषण में आ जाएगा। लास्ट है संबंध सूचक संकेतवाचक विशेषण, इसमें क्या है, जो, जिस, जब दो शब्दों को आपस में हम जोड़ेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, संबंध सूचक संकेतवाचक विशेषण में आ जाएगा। तो ये आपका फोर्थ वाला भेद भी कंप्लीट हो गया है। कल हम फिफ्थ वाले भेद की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।